हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे हो गाइस। जैसे कि आपको पता होगा Realme X7 Pro, तो गाइस इस फोन के अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली। तो गाइस सिंपल से स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप इस फोन के अंदर इसके कुछ हिडन फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स जान पाएंगे। गाइस मैंने इस वीडियो में Realme X7 Pro के अंदर वही चीज आपको बताई है जो आपके लिए एक हिसाब से यूजफुल है और हिडन फीचर्स रहने वाली है। तो गाइस प्लीज से वीडियो को कंप्लीट देखना। गाइस अगर आपने ये शक्ल पहली बार देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये चैनल पहली बार देखा है तब भी चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कुछ इसके 35 कुछ हिडन फीचर्स के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो होम स्क्रीन है ये, इसको ये हम कस्टमाइज कर सकते हैं। सपोज करो कि हमको यहाँ पे क्लॉक लगाना है, ठीक है, टाइम देखने के लिए, या फिर यहाँ पे हमको गूगल सर्च लगाना है, ठीक है, या फिर डेट एंड डेट सेट करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए जो विजिट्स रहेंगे उसके लिए आपको यहाँ पे टू फिंगर से कुछ इस प्रकार से पिंच आउट करना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे गाइस, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा विजिट्स का। ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, विजिट वाले सेक्शन पे। इस पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो डेट एंड टाइम जो आपका आ रहा है सबसे पहले, उसको आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये आ गया। इसको चाहें तो आप यहाँ से कट करके वापस से रिमूव भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से गाइस अगर आपको यहाँ पे क्लॉक लगानी है तो उसको आप क्लॉक पे लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको क्रोम सर्च लगाना है तो क्रोम सर्च लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपके सारे शॉर्टकट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, शेड्यूल वगैरह, मंथ और जीमेल आईडी, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप जो भी आपको अच्छा हो या जो आपको पसंद लगे वो अपने हिसाब से, अपने यूज़ के हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए गाइस यहाँ पर हमने यहाँ पर अपना डेट और जो टेम्परेचर है वो सेट कर लिया है। ठीक है गाइस, एक बात और, जैसे कि हमारे जो एप्लीकेशन रहते हैं, अब ये यहाँ पे हमारे 5 एप्लीकेशन हैं, इनको हम यहाँ से रिमूव करना चाहें, ठीक है, वो कैसे करेंगे? या फिर इनको हम यहाँ से ड्रैग डाउन कराना चाहें, यानी इस पेज से सेकंड पेज की तरफ ले जाना चाहें, तो वो कैसे ले जाएंगे? आपको सिंपल से इस पर प्रेस एंड होल्ड रखना है गाइस, और इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रिमूव करने का तरीका। अब बात आती है कि हम इनको ड्रैग डाउन कैसे कराएंगे। आप इस प्रकार से वापस से फिर से पिंच आउट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। तो एक बार में आप मल्टीपल एप्लीकेशन को भी एक पेज से दूसरे पेज की तरफ ले जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इस वाले पेज पे इसको ले जाते हैं। इस पर हमने ड्रैग एंड डाउन कर दिया। तो गाइस इस प्रकार से यहाँ पे अपने मतलब कि पेज की तरफ मूव करा सकते हैं किसी एप्लीकेशन को। तो गाइस सिंपल से स्टेप्स मैंने आपको बता दिया कि आप अपने स्क्रीन को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है गाइस यहाँ पे इस होम स्क्रीन सेटिंग्स के बारे में, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो आपका सेटिंग्स वाला सेक्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे फीचर हैं जो आपको समझना जरूरी है। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस यहाँ पे आप देखेंगे होम स्क्रीन मोड, जो कि ड्रॉअर मोड हो रखा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे गाइस आपको जो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड, और एक ऑप्शन है यहाँ पे ड्रॉअर मोड। तो ड्रॉअर मोड और स्टैंडर्ड मोड में क्या फ़र्क होता है गाइस? आपका जो ड्रॉअर मोड है वो इस प्रकार से काम करता है कि ये आपकी होम स्क्रीन है, यहाँ से आप अपने ऐप्स के अंदर जा सकते हैं। ठीक है गाइस, ये तो काम होता है ड्रॉअर मोड का। भाई अगर स्टैंडर्ड मोड की बात करें तो आप वापस से स्टैंडर्ड मोड पर जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है गाइस, यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड मोड पर क्लिक किया और इसको हम अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम गाइस ये करते हैं, अब आप यहाँ पर देखिएगा आपके जितने भी एप्लीकेशन हैं वो सारे एप्लीकेशन आपकी होम स्क्रीन के सामने ही आएंगे। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे आपका एक मेनू बार नहीं देखने को मिलता। आपको यहाँ से करेंगे आप कोई भी एप्लीकेशन सो आपको नहीं होगा, सारे एप्लीकेशन आपके होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो ये रहता है स्टैंडर्ड मोड और ड्रॉअर मोड का डिफरेंस बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद और भी सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। वापस से आपको सेटिंग्स में ही चलना है। सेटिंग में आने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे आइकॉन ऑटोफिल। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर जितने भी है, जैसे मान लो एक एप्लीकेशन आपने कोई रिमूव किया या फिर अनइंस्टॉल किया, तो उसके लिए वहाँ पे जो उसका जो जगह खाली होगा वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सर्च बार एट स्क्रीन बॉटम, तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हो। ठीक है गाइस, फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन। तो जैसे कि आप अपनी होम स्क्रीन से इस प्रकार से स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन खुल गया। ठीक है गाइस, तो इसको अगर आप कस्टमाइज करना चाहें तो आपको क्या करना होगा, आपको वापस से जाना है, स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो या तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन ड्रॉअर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन है इस पे क्लिक करके, अगर आप इसको सर्च में रहने दें तो वो मैंने आपको दिखाया करके वहाँ पे सर्च बार आपका खुल जाता है। तो चलिए यहाँ से हम नोटिफिकेशन ड्रॉअर पे क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं अब क्या चेंज होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे स्वाइप डाउन करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल खुल के आ जाता है। ठीक है, इस कुछ और सेटिंग्स हैं, उसके लिए भी आपको यहाँ पे सेटिंग्स में क्लिक करना है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि गाइस एक सेटिंग है आपकी यहाँ पे होम स्क्रीन लेआउट, जो कि 4:6 हो रखा है। ठीक है, इसको आप यहाँ से 5:6 भी कर सकते हैं, जिससे क्या रहेगा कि आपकी स्क्रीन पे जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा आ सकते हैं। तो चलिए हम इसमें स्विच कर जाते हैं। तो अब आपकी जो होम स्क्रीन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन में आपके 5 एप्लीकेशन आ रहे हैं, इससे पहले 4 एप्लीकेशन आ रहे थे। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं।
इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जिनको आप हिडन सेटिंग्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे डबल टैप टू लॉक। अगर आप इसको इनेबल करते हैं और अपनी होम स्क्रीन पे जाकर डबल टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, ठीक है गाइस। इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे तो आपका सेट थीम और सेट वॉलपेपर तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है जो कि है सेट आइकॉन स्टाइल। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे आइकॉन रहने वाले हैं उनके स्टाइल और उसका साइज यहाँ से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो पहला साइज यहाँ पे आपको नॉर्मल देखने को मिलता है, इस प्रकार से आप यहाँ से इसको एक अलग शेप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो कोई सा भी शेप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, उसी प्रकार से इनके जो लोगो है उनका आप साइज अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये भी आप अपने फोन के अंदर कर सकते हैं। तो जो साइज या फिर जो स्टाइल आपको पसंद हो उसको आप यहाँ से अप्लाई कर दें तो आपके एप्लीकेशन उसी स्टाइल में एक हिसाब से दिखने लगते हैं आपको, ठीक है गाइस। तो ये रही आपकी होम स्क्रीन की सेटिंग्स। आई होप कि आपको होम स्क्रीन की कंप्लीट सेटिंग समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। चलिए गाइस अब हम चलते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल की तरफ, क्योंकि नोटिफिकेशन पैनल में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले हम यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल के अंदर आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका नॉर्मल सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है, यानी नॉर्मल ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर इसके अंदर आप कुछ कस्टमाइज करना चाहें तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे अगर आपको कोई ऑप्शन चाहिए, जैसे कि मान लो मेरे को यहाँ पे यहाँ से एक ऑप्शन चाहिए वन हैंड मूड को हमको लेना ले जाना चाहते हैं हम ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे इसको प्रेस एंड होल्ड रखना है और ड्रैग डाउन करें आप इस तरफ, ठीक है, और यहाँ से आप इसको छोड़ दें। तो इस प्रकार से आप अपने फोन के अंदर कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, मेरे को यहाँ से इसको रिमूव करना है तो इस पर मैं प्रेस एंड होल्ड रखूँगा, ठीक है गाइस। और इस वाले सेक्शन में इसको हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो इस प्रकार से गाइस आप ये भी कर सकते हैं अपने फोन के अंदर काफ़ी ईजी तरीके से। तो ये तो रहा इसका कस्टमाइज वाला सेक्शन। यहाँ से आपको कोई भी ऑप्शन चाहिए, जैसे OTG वाला चाहिए तो इसको आप एक बार में ऊपर ले जा सकते हैं, म्यूट नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन चाहिए तो इसको भी आप ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये तो अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आइस कंफर्ट। इसको अगर हम इनेबल करते हैं, अगर हम जैसे इसको इनेबल करेंगे तो आपकी जो सेटिंग्स रहेंगी, जैसे कि चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ओके आइस कंफर्ट वाला ऑप्शन, इस पर जब हम क्लिक करते हैं इनेबल करते हैं तो आपकी डिस्प्ले थोड़ी येलो सी हो जाती है, जिससे क्या रहता है कि आप अगर रात में ज़्यादा पढ़ाई वगैरह करते हैं या फिर फोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपकी जो आइज़ हैं, जो आपकी आंखें हैं, वो सेफ रहती हैं इसको इनेबल करने के बाद। गाइस इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देख पाएंगे आप यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का, तो डू नॉट डिस्टर्ब को भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। जैसे आप इसको टर्न ऑन करेंगे तो अब आपका फोन का डू नॉट डिस्टर्ब के अंदर आपका फोन जा चुका है। इसका यूज़ क्या है उस बारे में आपको जानना है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिंपल सा हम इसके सेटिंग्स के अंदर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे गाइस आप देख पाएंगे यहाँ से मैंने इसको इनेबल तो कर ही दिया है, ठीक है गाइस। तो यहाँ इसका जो यूजेस है, यानी इसका जो सिस्टम कैसे काम करता है उसको आप समझ लें। आपको गाइस यहाँ पे जो कॉल हैं वो नहीं आएंगी, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट ओनली पे हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। इसको कॉन्टैक्ट ओनली कर लेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर जितने कॉन्टैक्ट सेम है उसी से आपको कॉल आएगी, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप नो वन पे क्लिक करके रखेंगे तो आपको कोई भी कॉल आएगी ही नहीं जब तक आप इसको इनेबल रखते हैं। वही काम मैसेज के लिए भी अप्लाई होता है, वही अगर आप इसको नो वन पे अप्लाई करके रखेंगे तो आपको कोई मैसेज प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन और है रिंग फॉर रिपीटेड कॉल्स के लिए। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। यहाँ पे सिंपल सा इनका ये बोलने का मतलब है कि एक नंबर से विद इन 3 मिनट कॉल आती है वापस से, यानी सेकेंड टाइम एक ही नंबर से 3 मिनट के अंदर अंदर 2 बार कॉल आती है आपके लिए, तो आपका फोन ऑटोमेटिकली डू नॉट डिस्टर्ब से रिमूव हो जाएगा, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब डिसेबल हो जाएगी और आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो गाइस इस प्रकार से डू नॉट डिस्टर्ब का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा फीचर आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। तो गाइस कुछ और सेटिंग्स हैं उसको भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आपको अपने फोन के अंदर जैसे सपोज करो आपका जो ये जैसे कि हमारा कोई भी एप्लीकेशन उसको लॉक करना चाहते हैं आप, ठीक है, तो इसको लॉक कैसे करेंगे उस बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको लॉक करने के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना के रखी है, चाहे तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। चलिए गाइस यहाँ पे हम आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देते हैं कि आप अपने फोन के अंदर ऐप लॉक कैसे कर सकते हैं। तो गाइस सिंपल तरीके से आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद गाइस आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो प्राइवेसी वाला सेक्शन है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्राइवेसी वाले सेक्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आपका ऐप लॉक वाला सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आगे आप अपने फोन के अंदर ऐप लॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी के अंदर जाके आप अपने ऐप्स को हाइड भी कर सकते हैं। गाइस दोनों के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप ऐप लॉक देखना चाहें तो ऐप लॉक की देख सकते हैं। अगर ऐप हाइड करना चाहते हैं तो ऐप हाइड की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइवेट सेव भी आपको देखने को मिल जाती है। प्राइवेट सेव का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आप अपने किसी भी फोटो वीडियो को प्राइवेट कर सकते हैं, जो कि आप किसी को दिखाई भी नहीं देगी आपके फोन के स्टोरेज के अंदर, ठीक है गाइस। इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो आप चाहे उसको देख सकते हैं। चलिए गाइस मैं यहाँ पे आपको कुछ और सेटिंग्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे कन्वीनियंस टूल्स के अंदर जाना है सेटिंग में आने के बाद। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको हिडन सेटिंग्स आपको यहीं पे देखने को मिलती हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ जो आपका नेविगेशन बटन्स है,
इनको बोलते हैं नेविगेशन बटन, जो आपकी कीज दिख रही है यहाँ पे, बैक होम एंड रिसेंट टास्क वाली, इनको बोलते हैं नेविगेशन बटन। सिंपल सा नेविगेशन बटन पे क्लिक करना है हमको, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, सर्वाइव जेस्चर्स फ्रॉम बूथ साइड्स, एक तो आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप अगर आप लेफ्ट एंड राइट हैंड की प्रॉब्लम है आपको, तो अगर आप लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं तो इस वाले पे क्लिक कर लें, और राइट हैंड से यूज़ करते हैं अपने फोन को तो यहाँ से इसका लेआउट आप बदल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए ऐसे हम इसका जो स्वाइप जेस्चर फ्रॉम बूथ साइड है उसको इनेबल करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे गाइस, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे आपकी जो कीज थी वो यहाँ से रिमूव हो गई। अब ये कैसे काम करेगा वो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ये लोग, सिंपल सिंपल तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए एक बार मैं भी आपको बता देता हूँ। आप अगर लेफ्ट एंड राइट हैंड से साइड से अगर स्वाइप करेंगे इस प्रकार से, तो आपका ये बैक हो जाएगा। ठीक है गाइस, इस प्रकार से भी आप करेंगे तो बैक हो जाएगा। चलिए तो हो गया बैक करने का। अगर आपको होम पे जाना है तो आपको मिडिल से स्वाइप अप करना है, तो आप होम पर जाते हैं। वहीं अगर आपको रिसेंट टास्क के अंदर जाना है तो मिडिल से आपको स्वाइप एंड होल्ड रखना है, ठीक है, तो आप वापस से वहीं पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपको और भी सेटिंग्स देखने को मिलती है। आपको सिंपल सा सेटिंग मारने के बाद कन्वीनियंस टूल्स के अंदर आ जाना है। जैसे ही आप इसके अंदर आते हैं तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे एसी टिप बॉल का, तो सिंपल से इस पर क्लिक कर लेते हैं हम। एसी टिप बॉल के अंदर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे इसके जो यूजेस हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको यहाँ पे इसको इनेबल करना है। जैसे ही आप इस पर इनेबल करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक बॉल आ जाती है ये इस प्रकार से, ठीक है गाइस। तो इसका यूज़ क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहेंगे जो इसका जेस्चर है इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। आपको टैप करेंगे आप सिंपल सा, आप बैक आ जाएंगे। ऐसे टैप किया हम बैक आ गए, ओके गाइस। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। डबल टैप करेंगे आप तो आपकी अपनी सेटिंग्स, मतलब जो आपका डबल टैप करने के बाद आप मल्टीटास्किंग में आ जाते हैं। चलिए हम डबल टैप करते हैं तो मल्टीटास्किंग में पहुँच गए, ठीक है गाइस। इसके बाद यहाँ पे आपको टच एंड होल्ड रखना है तो आप अपनी होम स्क्रीन पे पहुँच जाते हैं। तो इसका ये यूज़ रहता है, इसको बोलते हैं एसी टिप बॉल। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बैक बटन इस्तेमाल नहीं करना बार बार, तो सिंपल सा इस पर क्लिक कर दें और ये हो जाता है। तो गाइस इसकी ट्रांसपेरेंसी है वो 60% होकर रखी है, इसको आप यहाँ पे 20% एंड 100% भी कर सकते हो। तो गाइस इसके बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे स्मार्ट साइड बार, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। स्मार्ट साइड बार क्या होता है आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो आपकी स्क्रीन पे आपको ये किस प्रकार से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख दे रहे हैं आपको, ये आपका स्मार्ट साइड बार आपकी स्क्रीन पे होगा, ठीक है गाइस। जैसे कि हमारी स्क्रीन पे ये रहा, तो इसके अंदर हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो आप देख पाएंगे यहाँ से। तो इसके अंदर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ईजी है। आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे क्लिक हो चुका है। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप इसको जो स्क्रीनशॉट के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर जा सकते हैं, कैलकुलेटर के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे एप्लीकेशन अगर आपको ऐड करने होते हैं, यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करेंगे और मल्टीपल एप्लीकेशन इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप इनको क्विक एक्सेस कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम यूट्यूब को ले लेते हैं। YouTube पे हमने क्लिक कर लिया, ठीक है, और यहाँ से डन कर दिया। अब ऐसे सपोज करो कि हम यहाँ पे अपनी होम स्क्रीन पे और हमको YouTube में जाना है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा अपना स्मार्ट साइड बार इस प्रकार से निकालना है और यहाँ पे YouTube पे क्लिक कर दें, आप अपने YouTube के अंदर आ जाते हैं, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से आप ये इसका यूज़ भी कर सकते हो, तो जो काफ़ी एक अच्छा यूज़ है, आप बोल सकते हैं काफ़ी एक अच्छा फीचर है। तो आई होप कि गाइस आपको ये भी अच्छा ही लगा होगा। तो चलिए गाइस सेटिंग्स के अंदर चलते हैं और कुछ और सेटिंग्स आपको हम यहाँ पे बताते हैं। आपको सिंपल सा यहाँ पे कन्वीनियंस टूल्स के अंदर जाना है, क्योंकि आपकी जितनी भी हिडन सेटिंग्स रहती हैं वो सी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है गाइस। इसके बाद गाइस यहाँ पे आने के बाद आप देख पाएंगे कि आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे जेस्चर एंड मोशन का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है जेस्चर एंड मोशन पे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपके जितने भी फीचर्स हैं आप इनको एक इस प्रकार से हिडन फीचर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे वो आपका राइज टू बेक, अगर आप इसको इनेबल करते हैं और आपका फोन टेबल पे रखा है, कहीं भी रखा है, स्क्रीन ऑफ हो गई लॉक लगा के बाद, आप जैसे उसको उठाएंगे तो आपका फोन ऑटोमेटिकली इसकी स्क्रीन ऑन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ऑटो एयर पिकअप कॉल्स, अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो आपके पास कोई भी कॉल आता है आप उसको अपने कान के पास फोन को ले जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपका फोन आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक फीचर और है जो कि है ऑटो स्विच टू ईयर रिसीवर, इसको अगर आप इनेबल रखते हैं, सपोज करो कि आपके पास कॉल आई और आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं और आपने अपना फोन स्पीकर पे कर रखा है, आपको अपना फोन वापस से रिसीवर पे करना नहीं पड़ेगा, आपको सिंपल से अपना फोन कान के पास ले जाना है और स्पीकर पर से ऑफ होकर ऑटोमेटिकली आपकी जो वॉइस है वो यहाँ से आपको रिसीवर के अंदर से आने लगेगी, ठीक है गाइस। तो इसको बोलते हैं ऑटो स्विच टू ईयर रिसीवर। इसके बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन और देखने को मिलता है आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और आपके पास कोई भी कॉल आती है तो आपको सिंपल से अपना फोन फ्लिप करना है और आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगी और रिंगटोन होना बंद हो जाती है, ठीक है गाइस। इसके बाद यहाँ पे गाइस आप देख पाएंगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जेस्चर स्क्रीनशॉट, स्वाइप डाउन विथ थ्री फिंगर्स टू क्विक टेक ए स्क्रीनशॉट। ये कैसे काम करता है वो आप देख लीजिए, आपको सिंपल सा थ्री फिंगर से स्वाइप डाउन करना है और आपका स्क्रीनशॉट आपके फोन के अंदर आ जाता है, ठीक है गाइस। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो आपके थ्री फिंगर के साथ स्क्रीनशॉट नहीं आ पाएगा,
तो इसको आप इनेबल जरूर से करके रखें। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, तो इस पर क्लिक कर लें आप। स्क्रीन ऑफ जेस्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद ये कैसे काम करेगा गाइस वो आप देख लें। तो डबल टैप टू टर्न ऑन, स्क्रीन ऑफ पे है, आप बंद स्क्रीन पे डबल टैप करेंगे आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और है जो बोल रहा है यहाँ पे ड्रॉ ओ टू ओपन कैमरा। अगर आपको अपना कैमरा ओपन करना है तो सिंपल सा आपको ओ ड्रॉ करना है अपनी स्क्रीन पे और आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। ये फास्ट और क्विक एक्सेस आप इनको बोल सकते हैं। ड्रॉ बी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट, आप अपनी स्क्रीन पे बी ड्रॉ करेंगे ठीक है स्क्रीन ऑफ पे, तो आपका ऑटोमेटिकली फोन फ्लैश लाइट जो आपका वो ऑन कर देगा। इसके साथ साथ यहाँ पे गाइस आप और भी जेस्चर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आप इसको कर सकते हैं ईजिली है। तो गाइस इस प्रकार से मैंने आपको कुछ फीचर्स आपको बताएं, आई होप कि आपको ये फीचर्स अच्छे लगे होंगे इस देख सकते हैं रियलमी लैब के बारे में। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी या फिर आपको हमारी वीडियो में जो बताए गए फीचर्स पसंद आए हो, तो प्लीज़ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। एक चीज़ मैं आपको गाइस और बता दूं, आपका जो नोटिफिकेशन सेंटर है उसके अंदर आपको जाना है। इसके अंदर जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको जैसे आप यहाँ पे इनेबल कर देते हैं तो आपकी जो नेटवर्क स्पीड है वो आपको यहाँ पे शो होने लगती है ठीक है गाइस, जो कि आपको इंटरनेट का बताती है कि आपके फोन में कितनी स्पीड से इंटरनेट आ रहा है। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए गाइस। अगर कोई भी सजेशन चाहिए या फिर आपको कोई फीचर समझ नहीं आ रहा तो मुझे नीचे कमेंट कर दें, मैं उसका रिप्लाई जरूर से करता हूँ। तो गाइस मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।